हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडलर्स इंस्टीट्यूट। आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है, तो सभी नोटोरियस स्टूडेंट्स को हैप्पी चिल्ड्रंस डे और साथ ही साथ दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मॉडलर्स इंस्टीट्यूट पे आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम 2021 के बारे में, जिसपे काफी बच्चे काफी एक्साइटेड हैं और काफी डिलेमा भी चल रहा है बच्चों के बीच में। इसमें दो तीन नए नए पॉइंट्स मैं लेके आ रहा हूं यहां पे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्या चीजें हैं और बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या सच्चाई है उसके बारे में हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो वेस्ट बंगाल ये अपना पहला स्टेट है जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं कंडक्ट कराने वाले हैं। कोविड-19 के चलते हुए जो महामारी है उसमें उन्होंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये चीज का फैसला कर दिया है कि स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, लेकिन सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम वो सेंट्रल बोर्ड डिसाइड करेगी। उसके बारे में एक अलग से सर्कुलर आएगा, वहां से अपडेट मिलेगा। तो फिलहाल के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि स्टेट बोर्ड का बोर्ड एग्जाम वेस्ट बंगाल में नहीं लिया जाएगा। अब इसको देख के अदर स्टेट्स में भी काफी कुछ हलचल चल रही है कि कई लोग मना कर रहे हैं कि हम भी, जिसमें महाराष्ट्र भी सबसे आगे है, कि भाई हम भी क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल करें। तो यहाँ पे जैसा आप लोग पढ़ सकते हैं कि पूरा डिटेल जो उनकी तरफ से आया हुआ है, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टूडेंट शेड्यूल रेटिंग टेस्ट ऑन क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर इन द वेक ऑफ कोविड-19, जो पेंडेमिक है उसकी वजह से नहीं होगा। तो इसमें कुछ एडवांटेज 10th क्लास के बच्चों को तो काफी एडवांटेज है, लेकिन 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जो होशियार बच्चे हैं उनको यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उनको 75% तो मिनिमम चाहिए JEE एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए। अगर उन्हें IIT और NIT उनका टारगेट है तो 75% या टॉप 20% तो उनका टारगेट होना ही चाहिए। तो स्कूल इंटरनली इस तरीके से मार्क्स दे कि बच्चों को वहां चीज क्लियर हो जाए। और 10th में बच्चों को भी ये रहता है कि अगर उन्हें 11th में स्कूल चेंज करने हैं तो वहां पे भी थोड़ा मार्क्स का बेसिस होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो डिसीजन लिया है उससे आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके स्टेट में भी ये चीज अप्लाई हो, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम इस साल के लिए हट जाए और नेक्स्ट ईयर ये चीज हो और आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाए 10th से 11th में, और जो बच्चे 12th है उन्हें 12th से डायरेक्ट पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाए। आपका क्या ओपिनियन है उसको भी जरूर से एक बार मुझे यहाँ पे बताइए, ठीक है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई हुई है वो आई है हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है रमेश पोखरियाल की तरफ से। उन्होंने बोला है कि इस बार किसी भी सीबीएसई बोर्ड में किसी भी स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स हैं वो इंटरनल प्रोजेक्ट के बेसिस पर और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे उसके मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए नहीं। इस पे भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो जरूर से उसको कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली, एंजॉय द डे।